दोस्तों अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे अपने ईपीएफ अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों नॉमिनी ऐड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भगवान ना करे आपको या मुझे कुछ हो जाता है तो जो हमारा पीएफ का पैसा है, ईपीएफ का जो हमारा जितना भी फंड है वो हमारे नॉमिनी को मिल जाता है और उनको बार बार कहीं जो है भटकना नहीं पड़ेगा, उनको ऑफिसर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा। अगर आपका ई नॉमिनेशन किया रहेगा तो उनको जो है इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा और कैसे आपको करना है। और बहुत सारे दोस्तों को यहां पर एरर आते हैं, प्रॉब्लम आती है फाइल करने में, तो इस वीडियो में मैंने आपको उसका भी सॉल्यूशन बताया है कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको ईपीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन फाइल करनी है। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फोन पर इसका यूज कर रहे हैं तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल फोन पर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आपको सबसे ऊपर राइट साइड पर 3 डॉट नजर आएंगे, आपको उसको क्लिक करके यहां पर डेस्कटॉप साइड पर इसको बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे यहां पर आपको सर्च करना है यूनिफाइड पोर्टल, और जैसे सर्च करेंगे यहां पर जिस तरीके से हमारे लैपटॉप पीसी पर पेज खुलकर आता है ठीक उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन पर यहां पर जो है पेज खुलकर आएगा। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिफाइड पोर्टल हमने सर्च किया और यहां पर जो ये दूसरी वेबसाइट है मेंबर वाली आप देखेंगे, यहां पर इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, unifiedportal-member.epfindia.gov.in आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का पेज कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। आप गाइस यहां पर देखिएगा ये एम्प्लॉई के लिए है और अभी आपको यहां पर सबसे पहले अपना यूएन नंबर पासवर्ड एंटर करना है और यहां पर आपको कैप्चा इसको एंटर करना है और यहां पर आपको इसको साइन इन पर क्लिक करना होगा। और अगर दोस्तों आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको यूएन नंबर नहीं पता, तो आपको करना यह है कि आपको बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर यहां पर देखिएगा आपको प्ले लिस्ट नजर आएगी और जैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको पीएफ और ईएसआई का आपको इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आपको यहां पर ढूंढना है पीएफ और ईएसआईसी, यहां पर आप देखेंगे आपको यहां पर सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम यहां पर सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों अकाउंट को लॉगिन करते ही आपके सामने यहां पर अलर्ट आ जाएगा कि आप यहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको यहां पर नहीं दिखता है तो यहां पर आपको आना है सबसे ऊपर मैनेज पर, और मैनेज पर आप जाएंगे तो यहां पर आप देखिएगा ई नॉमिनेशन पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर इस वाले पेज पर आपको आना है और यहां पर पूछ रहा है हैविंग फैमिली, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने सारे की सारी डिटेल्स यहां पर खुलकर आ जाएगी। अब यहां पर ऐड फैमिली डिटेल, अब आपको जिनको भी नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनेट कर रहे हैं या नॉमिनी बना रहे हैं आपको उनका आधार नंबर एंटर करना है, उनका फुल नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल है, उसके बाद रिलेशन क्या है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, तो आप यहां पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद उनका एड्रेस में आप यहां पर उनका एड्रेस फिलअप करेंगे, गांव का नाम, सिटी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर आप एरिया का पिन कोड नंबर। उसके बाद दोस्तों जो भी आप नॉमिनी बना रहे हैं अपने फादर मदर या फिर अपनी वाइफ को, उनका बैंक अकाउंट की डिटेल में आप यहां पर आईएफएससी कोड एंटर करेंगे बैंक का, जैसे हमारा आईएफएससी कोड है SBIN 0002403, और ये आपको बैंक की पासबुक पर मिल जाएगा और यहां पर ऑटोमेटिकली ब्रांच का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर बैंक अकाउंट नंबर उनका एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको नॉमिनी का यहां पर फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है, बस आपको क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है और यहां पर आपको सबसे पहले फोटो को चूज करना है। और याद रखिएगा फोटो का साइज आपको यहां पर 100 KB के अंदर रखना है। जैसे दोस्तों मान के चलिए मेरे फादर का फोटोग्राफ है, अगर मैं आपको इसका साइज चेक करा के दिखाऊं प्रॉपर्टी में जाके, तो अभी इसका 624 KB का फोटो है और लेकिन इस फोटो का साइज होना चाहिए 100 KB से कम। अभी आप देखिएगा मैंने इसको साइज कम कर लिया इसका 83 KB का, आप देखेंगे 84 KB के आसपास का ये यहाँ पर फाइल है, फोटोग्राफ्स है। अब इसको आपको कम कैसे करना है, तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर जो है फोटो साइज आपको यहां पर इस तरीके से लिखना है, फोटो साइज रिड्यूसर आपको 100 KB। आप जैसे लिखेंगे बहुत सारे आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएंगी और वेबसाइट खुलते ही आपको बस यहां पर जो है इमेज को जो है अपलोड करना होगा। जैसे यहां पर मैं इमेज को अपलोड करूंगा, उसके बाद आपको यहां पर इजीली जिस भी साइज में आपको चाहिए, जैसे मान के चलिए मुझे 90 KB का चाहिए, तो मैं 90 करता हूं और यहां पर कंप्रेस करूंगा। कंप्रेस करते ही अब मेरा ये फोटोग्राफ का जो साइज है वो गाइज इजीली मेरा जो है यहां पर जो है 100 KB का हो जाएगा।
जाएगा 100 KB के अंडर। तो बस आप गो टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, नीचे से क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। तो अब आप यहाँ पर इजीली जो है डाउनलोड इमेज पर नीचे से कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इसका साइज चेक करके दिखाता हूँ कि क्या इसका साइज कम हुआ है। अभी आप देखेंगे 88 KB का हमारा ये फोटो का साइज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है फोटो का साइज कम कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फोटोग्राफ्स को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करते ही आप चाहे तो यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो का प्रीव्यू यहाँ पर दोबारा से दिख जाएगा कि इस तरीके से फोटो अपलोड होगा। तो हम यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ्स पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ओके आपको करना होगा और यहाँ पर आपका इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो आप दोबारा से इसको ओके करेंगे। अब दोस्तों हमने अपने फैमिली की डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। अगर आप चाहे तो एक से ज्यादा फैमिली मेंबर को भी ऐड कर पाएंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रो पर क्लिक करेंगे और दूसरे फैमिली मेंबर को भी आप ऐड कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक को ही करना है। तो हमने अपने फादर की डिटेल्स फिलअप कर ली है। अब हम यहाँ पर जो है बॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पर सेव फैमिली डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, अभी आपका यहाँ पर जो है पेज लोडिंग ले रहा है और इस तरीके से आपका जो है सक्सेसफुली डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद दोस्तों ईपीएफ नॉमिनेशन में आप आएंगे, इसको टिक कर लेंगे बॉक्स को। अब यहाँ पर आप जो भी आपने नॉमिनी ऐड किया है उनको आप कितना शेयर देना चाहते हैं, कितना परसेंट देना चाहते हैं। तो अभी हमने अपने फादर को ही ऐड किया है, तो 100% अगर मुझे कुछ हो जाता है तो 100% पैसा जो है मेरे फादर को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मेंबर ऐड करते हैं, मान के चलो अपनी वाइफ को भी, अपनी मदर को भी या फिर अपने सन को भी करते हैं, तो आप अलग अलग हिसाब से जैसे 40% 60% आप इस तरीके से दे सकते हैं पार्ट में। और उसके बाद आप सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर आप क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ईपीएफ डिटेल यहाँ पर सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ईपीएस नॉमिनेशन में आना है और यहाँ पर आपको सेम डिटेल वही फिलअप करनी है जो अभी तक आपने फिलअप करी थी। उसके बाद आपको बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद सेव ईपीएस नॉमिनेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारा ईपीएस डिटेल यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेल्स नीचे दिख जाएगा। और दोस्तों आपको ई साइन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको एक बार व्यू करना है, जो भी आपने नॉमिनेशन की डिटेल फिलअप करी है उसको आप रीचेक कर लेंगे। तो आप व्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो उसके बाद आप इस फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे, अगर डिटेल सारा कुछ सही है तो आप इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट ई साइन करेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक है, करेक्शन करवाना है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर ई साइन कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे आप ई साइन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड करते ही एक और पेज खुलकर आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करना होगा और वर्चुअल आईडी नंबर आपके आधार कार्ड पर आपको मिल जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड पर वर्चुअल आईडी नहीं है तो कैसे आपको वर्चुअल आईडी का पता करना है और बनाना है, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपको देखना है तो आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर जो है वर्चुअल आईडी एंटर कर लिया है, बॉक्स को टिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी इस तरीके से एरर का मैसेज आता है तो आपको एक काम करना है, आपको जाना है सबसे पहले ब्राउजर की सेटिंग में। जैसे आप गूगल क्रोम के ब्राउजर की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर आपको जाना है साइट सेटिंग्स में। ये आपको मोबाइल फोन पर इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पॉपअप्स एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे इसको आपको अलाउ करना है। जैसे आप इसको ऑन कर लेंगे ना, बाद में इसको आप ऑफ कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो अभी आप देखिएगा दोबारा से हमको यहाँ पर जो है उसी पेज पे जाना होगा। तो हमें सबसे पहले दोबारा से अपने पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना होगा यहाँ से। चलिए हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से मैनेज में आएंगे और यहाँ पर ई नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से हमको ई साइन पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड। चलिए वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करेंगे, बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और यार गाइस आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना। तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। अभी दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास पेज आ चुका है, आपको बस टिक करना है बॉक्स को। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी का भी आप यूज कर पाएंगे। और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहां पर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी फिलअप करके टिक करेंगे और यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और अब आपका पेज ऑटोमेटिकली जो है ऊपर रिफ्रेश होगा। तो आपको बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। अभी दोस्तों आप देख पाएंगे हमारा जो है यहां पर नॉमिनेशन जो है ई नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ साइन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पीएफ अकाउंट में अपना ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं।